शो आ रहा है, आप लोग सपोर्ट करने आए हैं, उनको शो देखने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के बहुत खुश हैं हम, यू नो वी आर वेरी हैप्पी. यहीं देख रही हूँ सर, सेंटर में ही देख रही हूँ. वी आर वेरी हैप्पी फॉर करण, एंड ट्रैवल किया उसने बहुत सारा, एंड ट्रैवल पे बहुत कमाल कमाल की चीज़ें होती हैं. आप अपने आप को डिस्कवर करते हैं और यू नो एक नए तरीके से खुद को एक्सपीरियंस करते हैं, लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं, एंड देर इज़ नथिंग बेटर देन दैट. यू नो ट्रैवलिंग फॉर द सेल्फ इज़ सो गुड, बहुत इंपॉर्टेंट होता है खुद के लिए. सो एक ट्रैवल शो देखना और वो भी हमारे दोस्त के दोस्त उसमें है, बहुत ही मजा आने वाला है. आई एम श्योर लोग बहुत खुश हैं, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं. बहुत जेलस हूं. मैं भी खुश नहीं हूं, डोंट वरी, आई एम विद यू. क्योंकि आई हैव अ हाउस हियर, एंड व्हेन ही वाज हियर मैंने उसे फोन किया था, मैंने कहा घर आ जा खाना खाने, कहता हाँ हाँ शाम को आ रहा हूँ, शाम को आ रहा हूँ, पहुँचा नहीं. फिर वो यहाँ पे पहुँच गया और मैं इन जगहों पे नहीं पहुँचा. तो मुझे बहुत जेलसी है, मैं बहुत नाराज़ हूँ करण भाई से. लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक काफ़ी देर तक मैं ट्रैवल करता था और ये सब मुझे गालियाँ देते थे. अभी ये ट्रैवल कर रहे हैं ऐसे मैं गालियाँ दूंगा, और मैं ऑनेस्टली बिल्कुल खुश नहीं हूँ क्योंकि सीजन टू में मुझे जाना. दैट्स माय व्यू पॉइंट. सबको जाना. Listen, I though can't even say that, you know, I want to be like a good host like him, because I don't know whether I'm a good host like him. But like, Raj has traveled extensively. He, of course, has come to the show. Riddhi, she's a fabulous host either way. So, you're a host? So traveling and hosting, in sab mein hai. Mujhe sab travel karna hai. Mujhe koi le ja ke show pe travel karne ke liye. Okay, more than this, love ke baare mein hai show. हम तीनों सिंगल हैं, तो वी आर गोइंग थ्री, सो वी आर ऑल सिंगल. सीजन टू के लिए सेलिब्रिटी राउंड होगा, सो आई एम सपोज़ टू से दैट, राइट? ओके, हम सब सिंगल हैं, हम सब अपने पार्टनर ढूंढने जाएंगे. मुझे लगा था वही अकेला ट्रैवल कर रहा है, मुझे नहीं पता यहाँ पे मैंने रामलीला बना रहा है वहाँ पे बैठ के सबके, वो सब मैंने प्रोमो में देखा. बट सिंगल 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 रेडी टू मिंगल अप इन द कोल्ड इन द बीचेस इन बिकिनीज वॉट एवर. आई एम नॉट वेयरिंग द बिकिनी, द गर्ल्स आर वेयरिंग इट इन सीजन टू. आई विल बी डूइंग इट. व्हाट्स हैपनिंग? आई थिंक आपका क्वेश्चन क्या था? नॉट यू हर. नो, आई थिंक लव में बिलीव करती हूँ. लव इज़ आई थिंक इन एवरी थिंग. हम यहाँ इतनी अच्छी कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ प्यार है. सो दैट्स हाउ आई थिंक अबाउट थिंग्स. बट डेटिंग टू ईच इज़ ओन. आई मीन ऑफकोर्स यू हैव टू डेट, यू हैव टू गेट टू नो समबडी. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बिना यू नो हाउ कैन यू एवर एवर टेस्ट द वॉटर्स. एंड जो सबसे अमेजिंग बात एक है, यू नो विच आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल नो, अ लॉट ऑफ यंग पीपल, इफ़ यू नो इट राइट नाउ, आप प्लीज़ अपनी लाइफ पर अप्लाई कर ही लेना. इस शो देखने के बाद तो करेंगे ही. वो ये है कि आप जब किसी के साथ ट्रैवल करते हैं, आप उसको असली मायने में जानते हैं. सो यू नो शो विच कम्बाइंस द टू इज़ ब्रिलियंट, बिकॉज यू रियली गेट टू नो योर ट्रू सेल्फ. कोई नया पार्टनर, आई एम परफेक्टली ओके. बोल दिया मैंने भाई, मतलब की जस्ट यू नो दैट्स द वे इट शुड बी मैन. जो एक्सप्लोर नहीं किए वो फेवरेट है मेरी. तो मैंने सो मेनी प्लेसेस आई वांट टू बी. यू फॉर मी आई थिंक इट्स न्यूयॉर्क सिटी. आप जहाँ पे भी हो प्लीज गो टू न्यूयॉर्क सिटी. और अगर आप हिंदुस्तान में करना चाहते हैं, मुझे जगह बोलनी नहीं है एक्चुअली दुनिया को, बट प्लीज डू संस्कार. ओके, संस्कार इज वन प्लेस. या नो, आई डोंट वांट टू बिकॉज इट्स एनीवे गोइंग टू बिकम टू कमर्शियल, बट यू सेड इट. बट संस्कार इज अ प्लेस जो हिंदुस्तान में ज्यादातर लोगों ने नहीं देखी. लोग स्पीति जाते हैं. संस्कार कारगिल के साथ है, तो मैंने पिछले साल किया था. और एक जो मैं बाय चांस आई मस्ट ओ इट टू माय फादर इज अ प्लेस कॉल्ड टबेगो. जितना मैंने ट्रैवल किया है दो साल में, मुझे रियलाइज हो गया है कि पहले अच्छा लगता था बहुत सारे लोग मिलना, यू सी डिफरेंट कल्चर्स पीपल्स लाइक इन न्यूयॉर्क. बट अभी मैं ट्रैवल करता हूँ ऐसी जगहों पे जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, दैट बिकम्स इवन मोर इंटरेस्टिंग. सो आई वुड से न्यूयॉर्क, टबेगो एंड संस्कार. Oh, there are so many places. I haven't been to Paris and I want to, and I know I will love it. मुझे पता है मुझे वो जगह बहुत पसंद आएगी. और मुझे ऐसा लगता है कि मैं फ्रेंच ही हूँ, ऐसा मुझे लगता है. You feel Italian? मैं तो मज़ा है. French. आपको क्या लगता है, आप क्या है? भाई मैं देसी पंजाबी हूँ भाई. चलो ठीक है, वो भी तो होना चाहिए. So yeah, that's number one. And Japan. These two are number, like these. We'll go together.
We must. Japan is and we Paris must. Are both from and Greece. Yes, and yes. Greece. Not Greece so much, but Japan and Paris. So yeah. I want to go to Switzerland, like a typical, I think everyone wants to go to Swiss Alps and just be Switzerland. There. So that is one place I really want to go. I want to go to New Zealand, Australia. I want to go everywhere. Everywhere that I've never gone. Jayenge, jayenge. Yeah, jayenge, jayenge. Okay, lastly, Karan Thani, show, kya kehna chahenge? Unke liye best wishes, which? Go. बहुत सारी बेस्ट विशेज करण हर चीज़ आई मीन वट एवर ही डज वो बहुत दिल से करता है और आई वी नो फॉर अ फैक्ट एज अ फ्रेंड कि काम उसके लिए बहुत बहुत यू नो ही इज़ रियली पैशनेट अबाउट एवरी थिंग दैट ही डज एंड आई एम श्योर ही इज़ वेरी वेरी पैशनेट अबाउट दिस ऑल्सो हम उसके दोस्त यू नो आए हैं उसे सपोर्ट करने बिकॉज इट्स ऑलवेज नाइस टू यू नो सी समवन हु डज समथिंग विद सो मच जेस्ट एंड यू नो जिंदा दिली से सो है ना So, isile, you know, so we just want to wish him luck and sab achha hi hoga. Sab first class hai. No, I want to wish him all the best. I think pehle bhi bata rahi thi. It's very important for shows like this, which are out of the box, which are first of its kind, to become successful. Especially jo travel ke related hota hai, because then, you know, people will, if this becomes successful, people will, you know, make such shows more. So yeah, I wish him all the best, not just to him, to the whole team who's behind it. And yeah, hopefully it's a lot of fun and it goes into season 2. सीजन टू में मुझे ज़रूर लेके जाना आई एम नॉट विशिंग यू ऑल द बेस्ट सीजन टू में तुझे पार्टनर नहीं मिला तो मैं तेरा पार्टनर बन के चलूँगा तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं तेरे साथ साथ चलूँगा भाई पुरानी दोस्ती है वी आर कम्प्लीटिंग 15 ईयर्स ऑफ आवर फ्रेंडशिप तो इसी पे हम दोनों भी एक रोमांटिक भाइयों की तरह जा सकते हैं और कुछ भी हो सकता है तुम्हें क्या पता मैं क्रिकेट देखता नहीं लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान खेलेगा मैं देखूंगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेलेगा मैं देखूंगा एंड आई थिंक इंडिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम राइट नाउ इन आइदर वे इट्स अ वेरी कॉन्फिडेंट नेशन इट्स नॉट अ नेशन दैट्स बर्डन बाय ओ ऑस्ट्रेलिया इतना स्ट्रॉन्ग है ये आई थिंक आइदर वे वी विल सक्सीड नो मैटर व्हाट I have very, very less knowledge of which team is better, but of course I am biased towards